रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होंगे मतदान। जानिए किस चरण में किस जनपद व विधानसभा क्षेत्र में होगी वोटिंग। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए 10 फरवरी से मतदान होंगे। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान का कार्यक्रम जारी किया है। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में मतदान होगा जबकि 10 मार्च को परिणाम जारी होंगे। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर चुनाव होंगे। इसमें शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ में मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होगा। दूसरे चरण में 9 जिलों के 55 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर के मतदाता वोट डालेंगे। तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होगा। इसमें 16 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में कासगंज, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, फरुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में वोटिंग होगी। चौथे चरण में 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 9 जिलों के 60 विधानसभा क्षेत्रों में चौथे चरण के दौरान चुनाव होंगे। इस चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर तथा बांदा में मतदान होगा। पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश में 27 फरवरी को मतदान होगा। इसमें 11 जिलों के 60 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा। इस चरण में श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और चित्रकूट में मतदान होगा। छठे चरण में 3 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 10 जिलों की 57 विधानसभा सीट पर मतदान होगा। इस चरण में बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया तथा बलिया में मतदान होगा। सातवें चरण तथा अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। इसमें 9 जिलों की 54 विधानसभा सीट पर वोटिंग होगी। इस चरण में आजमगढ़, मऊ, जौनपुर तथा संत रविदास नगर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली तथा सोनभद्र जिले में वोट पड़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को भरोसा, प्रचंड बहुमत से बनेगी भाजपा की सरकार। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए शनिवार को निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीख घोषित कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रसन्नता व्यक्त करने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत से सरकार भी बनने का दावा किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में प्रदेश की चुनाव की तिथियों की घोषणा का स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन के सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। जब तक हम लोग चुनावी समर में हैं, तब तक अपनी बात कहेंगे। जब सत्ता में होंगे तो सिंहासन पर बैठने के बाद समदृष्टि सबके प्रति होगी, तब कोई अपना पराया नहीं। मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेशवासियों को लाभ दिया है। जो सरकार प्रदेश के लिए कुछ नहीं करेगी तो वह अनुपयोगी रहेगी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022, बसपा मुखिया मायावती को भरोसा, चुनाव आयोग मुस्तैदी तथा निष्पक्षता से निभाएगा अपनी भूमिका। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा चुनाव के लिए तारीख की घोषणा के बाद से सभी राजनीतिक दल और नेता सक्रिय नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल में हो रहे चुनाव में राजनीतिक दलों को कम समय मिलने के बाद भी सब बड़े जोश में हैं। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद 4 ट्वीट से अपनी प्रतिक्रिया दी। बसपा मुखिया मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा आम चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग की आज तिथि की घोषणा का स्वागत करती हूँ। उन्होंने कहा कि आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आयोग या चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू व शांतिपूर्वक कराने की अपनी जिम्मेदारी को जन आकांक्षा के अनुरूपी पूर्व मुस्तैदी से जरूर निभाएगा। मायावती ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का त्यौहार है जिसके प्रति खासकर गरीब, मजदूर व मेहनतकश लोग अति उत्साहित रहते हैं, जिनकी भावना व अधिकारों की विशेषकर वोटिंग वाले दिन हर प्रकार से रक्षा जरूर हो। बसपा इस चुनाव में जोरदार तैयारी के साथ उतर रही है। पार्टी सभी 403 सीट पर अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार कर सत्ता में वापसी करेगी। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचंड बहुमत से जीतने वाली भाजपा को क्या सपा दे पाएगी टक्कर, जाने समीकरण। उत्तर प्रदेश का चुनावी महापर्व इस बार कई मायनों में बतला सा दिखेगा। कोरोना संकट के चलते न केवल प्रचार के तौर तरीके बदले हुए होंगे, साथ ही अब दलों को अपनी रणनीति बदलनी होगी। इस चुनावी महाभारत में पिछली बार प्रचंड बहुमत से जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी है, जो अपने मोदी व योगी के नाम व काम पर चुनाव में जा रही है, तो उसको टक्कर देने के लिए सामने कई दलों को साथ लेकर गठबंधन करने वाली सपा है। बसपा व कांग्रेस भी खासे सक्रिय है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते 5 साल के काम को जनता परखेगी तो विपक्ष के नेताओं के आरोपों व दावों को जनता कसौटी पर कसेगी। इस मायने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती व कांग्रेस की खेवनहार प्रियंका गांधी की प्रतिष्ठा दांव पर है। इन सभी बड़े दलीय नेताओं की रणनीतिक कौशल के साथ साथ लोकप्रियता का भी इम्तिहान होगा। चाचा शिवपाल और जयंत को साथ लेकर अखिलेश यादव ने तैयार किया मास्टर प्लान, कैसे लड़ेंगे चुनाव। मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक सक्रियता के दौर में सपा में हमेशा से नंबर दो के नेता रहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भी भतीजे की पार्टी सपा से गठबंधन कर लिया है। प्रदेश के तमाम जिलों में शिवपाल की पार्टी का गठबंधन संगठनात्मक ढांचा खड़ा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही यादव बहुल्य सीटों पर शिवपाल यादव की अच्छी बैठ है। इनके साथ ही आने से सपा के आधार वोट बैंक का बिखराव रुकने की उम्मीद है। यानी कुल मिलाकर चाचा के सामने भतीजे को सीएम की कुर्सी तक ले जाने की बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय लोकदल पहली बार विधानसभा चुनाव जयंत चौधरी की अगुवाई में लड़ने जा रही है। रालोद ने सपा के साथ गठबंधन किया है। माना जा रहा है कि जाट बाहुल्य करीब 3 दर्जन सीटों पर रालोद के प्रत्याशी चुनाव में मैदान में उतरेंगे। पिछले 2 विधानसभा और 2 लोकसभा में बुरी तरह हार का सामना कर चुके इस दल के नए अगुवा के सामने पार्टी को फिर से गढ़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ा करने की चुनौती है। इस बार उनके साथ सपा की ताकत भी होगी। आपका दावा, पंजाब में बनाएंगे सरकार, यूपी में इन 2 बातों पर रहेगा फोकस। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को चुनाव आयोग द्वारा घोषित विधानसभा चुनाव कार्यक्रम का स्वागत किया है। इसके साथ ही कहा कि वह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आम आदमी पार्टी तैयार है। वहीं दिल्ली के उपमुख्यमंत्री एवं आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि चुनाव वाले राज्यों में लोग उत्सुकता से उस समय, उस व्यवस्था और राजनीति को बदलने के लिए एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसने उन्हें लंबे समय तक धोखा दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और यूपी चुनाव के लिए मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली के बाद अब आप इन राज्यों में भी अरविंद केजरीवाल जी के स्कूल और अस्पताल के मॉडल पर चुनाव लड़ेगी। 14 फरवरी का दिन होगा, झाड़ू चुनाव चिन्ह होगा। मिशन 2022, यूपी में नहीं बढ़ेगी निजी स्कूलों में फीस। कोरोना के मद्देनजर योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, कई व्यापार भी ठप पड़ चुके हैं और लोगों के लिए इस महंगाई से पार पाना मुश्किल हो रहा है। अब इन परेशानियों को कुछ कम करने का काम योगी सरकार ने कर दिया है। चुनाव की घोषणा के बीच आदेश दे दिया गया है कि इस साल भी प्रदेश के किसी भी स्कूल में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कोरोना महामारी के कारण शैक्षिक सन वर्ष 2020-21 व वर्ष 2021-22 में फीस बढ़ोतरी नहीं की गई थी, यानी लगातार 3रे वर्ष भी निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। यह फैसला यूपी बोर्ड, सीबीएसई व सीआईसी, एससीई सहित सभी बोर्डों के निजी स्कूलों पर लागू होगा। अगर कोई निजी स्कूल फीस बढ़ाता है तो उत्तर प्रदेश स्वाभाविक पोषित स्वतंत्र विद्यालय अधिनियम 2018 की धारा 8 के अंतर्गत गठित जिला शुल्क निर्धारण नियामक समिति से अभिभावक व छात्र इसकी शिकायत करेंगे और कार्यवाही की जाएगी। सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि शुल्क बढ़ोतरी कोई निजी स्कूल ना करे, इसके लिए सतत निगरानी करे। रोड शो और रैलियों के बिना होगा चुनाव, मोर्चे पर भगवा सपा और बसपा कितनी तैयार। यूपी के विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही राजनीतिक दलों ने मोर्चे बंदी तेज कर दी है। भाजपा बीते करीब 3 महीने से मिशन मोड में चुनावी तैयारी में जुटी थी। सरकार और संगठन दोनों मोर्चों पर यह तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां केंद्र और राज्य की विकास योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रमों के जरिए पूरे प्रदेश को मथ चुके हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हर जिले का दौरा कर चुके हैं। संगठन स्तर पर तो पार्टी और भी पहले से इस मुहिम में जुटी है। पार्टी बीते 3 महीने में पीएम मोदी, सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई अन्य नेताओं के लगभग 150 कार्यक्रम पूरे प्रदेश में कर चुकी है। डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की मुहिम इस दौरान जोरों शोरों से चलाई गई है। संगठन स्तर पर पार्टी 6 जनविश्वास यात्राओं के जरिए प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में माहौल बना चुकी है। बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन भी कर चुकी है। इसमें विभिन्न जाति के समीकरणों को कोशिश की जा रही है कि यही नहीं, साल भर से ज्यादा वक्त से सपा में दूसरे दलों को छोड़कर आने वालों का सिलसिला चल रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की करीब आते ही भाजपा, सपा और कांग्रेस में टिकट दावेदारी की दौड़ शुरू हो चुकी है। जानिए कानपुर में किन सीटों पर है दावेदारी।
विधानसभा चुनाव की दुदुम्बी बज चुकी है। ऐसे में सीटों के लिए दावेदार की दौड़ भी शुरू हो चुकी है। बसपा ने जहां 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर इस दौड़ को कुछ विराम दिया है, वहीं अन्य 3 मुख्य दलों में ये दौड़ चरम पर है। भाजपा में जहां आर्य नगर व किदवाई नगर से अधिक दावेदार मैदान में है, तो कांग्रेस में सीसमो, महाराजपुर और कल्याणपुर के लिए दावेदारों की संख्या 10 से अधिक है। सपा की बात करें तो कैंट विधानसभा सीट के लिए 29 दावेदार हैं। ऐसे में भाजपा इन 7 सीटों पर वर्तमान विधायकों की दावेदारी तो मजबूत ही है। पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी हाईकमान से टिकट की उम्मीद लगा रखी है। किदवई नगर और बिलहौर में यह संख्या 1 दर्जन से अधिक है, जबकि अन्य सीटों पर अधिकतम 6 से 7 दावेदार हैं। सपा की बात करें तो सीसमऊ सीट से इरफान सोलंकी व आर्यनगर से अमिताभ वाजपेयी विधायक हैं। यहां से मौजूद विधायक के अलावा किसी ने भी दावेदारी नहीं की। पिछले चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन के चलते यह सीट कांग्रेस के हिस्से में चली गई थी। वोटों का समीकरण दिखाते हुए सपा इस सीट को अपना मानकर चल रही है। वहीं कांग्रेस में सबसे ज्यादा 14 दावेदार सीसमऊ सीट पर है। हाल ही में सपा के पार्षद दल के नेता को कांग्रेस में शामिल कराकर कांग्रेस यह खुद को मजबूत मान रही है। हालांकि माना जा रहा है कि यहां कांग्रेस प्रत्याशी तय कर चुकी है। उधर बसपा ने घाटमपुर, बिलहौर, कल्याणपुर, बिठूर और किदवाई नगर से प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिसके बाद यहां से दावेदारों की भीड़ काफी पहले ही खत्म हो गई थी। अब कैंट, महाराजपुर, सीसमो और आर्यनगर की सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा होनी है। यूपी के विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही राजनीतिक दलों ने मोर्चेबंदी तेज कर दी है। भाजपा बीते करीब 3 महीने से मिशन मोड में चुनावी तैयारियों में जुटी थी। सरकार और संगठन दोनों मोर्चों पर यह तैयारी पूरी हो चुकी है, साथ ही साथ चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। आइए बात कर लेते उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। ताजा ओपिनियन पोल हमने जनता की राय के अनुसार बनाया है। जनता किसे अपना मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। चलिए बात कर लेते विधानसभा सीटों की कि किस पार्टी को यहाँ पर कितनी सीटें मिल रही है। सबसे पहले बात कर लेते बीजेपी की। बीजेपी को यहाँ पर मिल रही है 151 विधानसभा सीटें। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को यहां पर मिल रही है 205 विधानसभा सीटें। आगे बढ़ते और चलते बसपा की ओर। बहुजन समाज पार्टी को यहां पर मिल रही है 28 विधानसभा सीटें। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहां पर मिल रही है 16 विधानसभा सीटें। अन्य को यहां पर मिल रही है 3 विधानसभा सीटें। मीडिया रिपोर्ट्स के आंकड़ों के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सी पार्टी पहले नंबर पर उभर कर सामने आ सकती है। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दिया करें कि आपके हिसाब से पहले नंबर पर किसकी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।